देखिए चुनाव आ रहा है और चुनाव में हम सबको निर्णय करना है कि हम क्या करना चाहते हैं, अपने भविष्य में क्या चाहते हैं, क्योंकि चुनाव से ही तय होता है कि कैसी सरकार आएगी, कैसे सांसद होंगे और किस तरह की आपकी जीवन में तरक्की आने वाली है कि नहीं। अब आपने 5 सालों पहले मेरे भैया प्रत्याशी थे और आपने उनको चुनाव हराया और आपको एक नई भाजपा की सांसद मिली। एक रिश्ता था आपके साथ बहुत पुराना हमारा, मेरे पिताजी से शुरू हुआ, आप ही ने स्थापित किया, आपके पूर्वजों ने जो बड़े यहाँ बैठे उन्होंने, और ये रिश्ता था। नीचे आ जाओ, ये रिश्ता था प्रेम का। और अब आप बैठी रहो, नहीं तो रिश्ता था प्रेम का, आदर का, श्रद्धा का। मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे, इससे नहीं होगा। तो मैं कह रही थी कि जो रिश्ता हमारे परिवार और आपके बीच था वो एक आदर का रिश्ता था, आदर का रिश्ता था। लो आ गया, अब पास आ सकती हूँ। तो मेरे पिताजी जब यहाँ आते थे तो आपके बीच आते थे, आपके घरों में आते थे, घरों में आते थे, आपसे पूछते थे कि क्या हाल है, क्या है, क्या काम कर सकते हैं आपके लिए। कुछ अगर नहीं हुआ होता काम तो डांट भी देते, बहन जरा बोल रही हूँ, बहन ओ थोड़ी शांत हो जाओ। तो मैं कह रही थी कि आपके बीच आते थे, आपकी समस्याओं को समझते थे, घर में खेत में आते थे, किसान से पूछते थे कि क्या कर सकते हैं। शुरू शुरू में जब यहाँ आई, मैं छोटी सी थी तो सारी जमीन सफेद सफेद होती थी, ऊसर जमीन थी, जो बुजुर्ग हैं उनको याद होगा। तो पिताजी योजना लाए ऊसर जमीन को उपजाऊ बनाने की। तो यहाँ जो नौजवान है वो जानते भी नहीं होंगे कि जो हरियाली यहाँ दिखती है ये अपने आप से हरियाली नहीं आई, ये आपके सांसद ने उस समय एक योजना बनाई। सिंचाई के साधन नहीं होते थे, ये सब नहीं होता था। उस समय उन्होंने ये योजना बनाई कि किसानों को मजबूत बनाना है, यहाँ सिंचाई के साधन देने हैं ताकि किसान पूरी तरह से कमा सकते हैं। किसान उनको कहते थे कि हम जितना हमारी उपज है उससे 7-8 महीने का काम चल जाता है। किसानों के लिए हमेशा पूरे साल भर खाना होना चाहिए, राशन होना चाहिए, इसलिए उन्होंने ऐसी योजना बनाई। फिर यहाँ उद्योग लाए, नई नई बड़ी बड़ी सड़कें बनी जिससे आप पूरे देश भर से जुड़ पाए। आज भी जो बड़ी सड़कें हैं वो सारी कांग्रेस के जमाने में बनी थी। पिताजी शहीद हुए, उसके बाद मेरी माताजी आई, उन्होंने जो पिताजी के सपने थे अमेठी के लिए उनको पूरा करने की कोशिश की, और उनके बाद मेरे भाई साहब यहाँ आए, आपके सांसद बने। कि जो भाजपा के नेता हैं ये चाहते हैं कि आपको धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आपके जज्बातों को उभार दें और फिर उस आधार पर वोट लेते हैं, अपने काम के आधार पर वोट नहीं लेते। तो इनके बड़े से बड़े नेता, प्रधानमंत्री से लेकर आपके जो सांसद हैं, जितने भी के नेता हैं, उनको ये एहसास नहीं है कि आपके प्रति कोई जिम्मेदारी है, कि जवाबदेही है। चुनाव में कह देंगे
कि हम 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, ठीक है, और चुनाव के बाद भूल जाएंगे। मैं चुप रही है भाई, 2 मिनट के लिए मुझे बोलने दीजिए। चुनाव के समय आके आपको कुछ भी बोल देंगे, कह देंगे कि आपके खातों में 15 लाख रुपए डालने हैं। चुनाव के बाद नहीं होता, कहते कि वो तो चुनाव के लिए जुमला था, वो कहाँ बोला था हमने। क्योंकि उनको ये एहसास हो गया है कि उनको आपसे वोट लेने के लिए काम करने की जरूरत नहीं। चुनाव के समय आएंगे, आपको बता देंगे धर्म संकट में है, आपके घरों में आते हैं दुर्दुर्या करा देते हैं, कहते कि वचन लो भगवान के नाम कि भाजपा को वोट दोगे। अरे क्यों ले भगवान के नाम वचन कि आप किसी को वोट देंगे? भगवान क्या चाहते हैं? भगवान तो आपकी भलाई चाहते हैं, चाहते कि आप फूलो फलो। भगवान चाहते कि आप सच्चाई से जियो, ईमानदारी से काम करो। अब भगवान थोड़ी ना एक पक्ष या दूसरे पक्ष राजनीतिक दलों का लेंगे। तो भगवान के नाम पे क्यों शपथ दिलवाया जा रहा है आपसे? क्योंकि काम नहीं किया। मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे तो 10 साल की उम्र से मैंने यहाँ पे प्रचार किया उनके लिए। जब मैं पूछती थी कि क्या प्रचार करूं, क्या बोलूं जनता को, तो ये नहीं कहते थे कि जनता को फुसला दो, गुमराह कर दो, डरा दो, बोल दो कि भाई तुम्हारा धर्म संकट में है, ये सब बाकी पार्टियां सारी धर्म विरोधी हैं, ये नहीं कहते थे। कहते थे जनता को जाके समझाओ कि हमने कितना काम किया है, और हम अगर रहे सांसद तो हम उस पूरे जितने भी अधूरे काम है उनको पूरा कर पाएंगे, ये कहते थे। तो हम लोग प्रचार करने आते थे तो कहते थे कि भाई BHEL खुला है, देखो यहाँ पे उड़ान वाली अकेडमी बनने जा रही है, यहाँ पे FDDI खुलेगा, यहाँ पे बड़े बड़े उद्योग खुले हैं, पिताजी और काम करना चाहते हैं, ऊसर जमीन में हरियाली लाए हैं, सिंचाई के साधन दिए हैं, सड़क बनाए हैं। और फिर उस आधार पे हम कहते थे कि हमने ये काम किया, उन्होंने ये काम किया, उनको जिताइए, उनको आगे बढ़ाइए ताकि और काम हो। आज प्रधानमंत्री तक के जो सबसे बड़ा पद है इस देश में, उनके स्तर के व्यक्ति आपको कह रहे हैं कि सावधान हो जाओ, कांग्रेस पार्टी धर्म विरोधी है, तुम्हारे गाय तुम्हारे वो भैंस चुरा लेंगे। बताइए, प्रधानमंत्री के स्तर की बात है ये कि आपके गहने हैं कांग्रेस पार्टी एक्स्ट्रा लाएंगे, अपने घरों में घुसेंगे, आपके मंगलसूत्र आपका सोना ढूंढेंगे एक्सरे की मशीन से और उसको लेके किसी और को दे देंगे। आपके पास 2 घर है तो 1 घर ले जाएंगे, आपके पास 2 गाड़ी है तो 2 गाड़ी ले जाएंगे, और 2 भैंसे हैं तो 1 भैंस ले जाएंगे। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री खुद ये नहीं कह सकते कि कितने रोजगार दिए, कितनी सड़कें बनाई, कितनी पाठशालाएं बनाई, कितना मदद किया किसानों को, महंगाई दूर कैसे करेंगे, ये नहीं कह सकते। इसीलिए फिजूल की बातें करते हैं, आपका ध्यान इधर उधर जाए और वोट भी अपने काम के आधार पर नहीं मांग पाते। अब असलियत क्या है, आज देश की सच्चाई क्या है? बहनों सुनो, आज आप दुकान जाते हो तो आपको अगर 5 चीजें खरीदनी है, खरीद पाती हो सारी? नहीं, 2 खरीदोगी या हो सकता है 3, और बाकी छोड़ दोगी, बोलोगी कि अभी देखते हैं, जब एकदम ज्यादा जरूरत पड़ेगी तभी लेंगे, है कि नहीं? सच्चाई है, सच्चाई ये है कि सारा जो समाज का बोझ है, परिवार का बोझ है, आप ही उठा रही हैं, हैं? अब मान लीजिए कि 2 दिन की दिहाड़ी नहीं मिली किसी को घर पे, भूखा कौन सोएगा? आप सबको खिलाएंगी, जब सबने खाना खा लिया तब आप कहेंगी कि छोड़ दीजिए मुझे भूख नहीं है, है कि नहीं? जब संकट आता है परिवार पे, बच्चा बीमार पड़ जाता है, आपको देखभाल करनी पड़ती है, तो आप काम तो नहीं छोड़ती? अगर कहीं मजदूरी करनी है वो भी करती हैं, घर आके बच्चों का इलाज भी देखती हैं, बच्चों की देखभाल करती हैं। तो हर तरह से जो बहन है पूरे देश भर में, वही इस देश का बोझ उठा रही है और वही परवरिश कर रही है बच्चों की। और बच्चे सिर्फ आपके बच्चों के आप परवरिश नहीं कर रहे हो, आप देश की नई पीढ़ी की परवरिश कर रहे हो। यही बच्चे बड़े होकर देश का भविष्य बनाएंगे।
तो आप एक बहुत बड़ी देश सेवा भी कर रही हो, लेकिन आपका जीवन इतना मुश्किल हो गया है आज के दिन। आप कुछ खरीद नहीं पा रही है, मिट्टी का तेल नहीं मिलता, 13 रुपए का राशन बोला था, 13 रुपए की चीनी बोली थी, चीनी भी नहीं मिल रही है, 5 किलो राशन का बोरा आपको पकड़ाया जाता है, उस पे मोदी जी ने अपनी फोटो चिपका दी, और उसके अलावा कुछ नहीं करना आपके लिए। तो ठीक है, 5 किलो राशन मिल रहा है, अच्छी बात है। मैं आपको बता दूं कि जहां कांग्रेस की सरकारें थी, छत्तीसगढ़ में अभी हमारी सरकार अभी गई है 6 महीने पहले, 35 किलो राशन मिल रहा था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो ये राशन मिलता है आपको क्यों मिलता है, क्योंकि जब सोनिया जी आपकी सांसद थी तो वो एक कानून लाई थी कि जन जन को भोजन का अधिकार है इस देश में, मतलब जो गरीब है सरकार का दायित्व है, सरकार का कर्तव्य है कि उन्हें भोजन दे, राशन दे। तो जो भी सरकार बाद में आई उनकी मजबूरी थी कि आपको राशन दें, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं आप पे, ये आपका कानूनी अधिकार है इस देश में। और 5 किलो राशन से आपका पेट भर नहीं रहा है, आज आपको राशन मिलता है फिर से कतार में खड़े होना पड़ता है क्योंकि राशन खत्म भी हो रहा है। अगर मैं किसी नौजवान से पूछूं यहाँ कि तुम्हें मैं राशन दूंगी हर महीने या फिर तुम्हें रोजगार दूंगी, क्या लेगा? रोजगार लेगा, क्योंकि रोजगार से वो आत्मनिर्भर होगा, उसका आत्मसम्मान बनेगा, रोजगार से अपने माँ बाप की देखभाल करेगा, अपनी बीवी की देखभाल करेगा, अपने बच्चों की देखभाल करेगा, अपना भविष्य बनाएगा। तो अगर सरकार की नीयत ठीक होती है ना तो कभी निर्भर करने वाली नीति नहीं होती उसकी। कांग्रेस की सरकारों में अगर आपको 5 किलो राशन मिलता है तो उसके साथ साथ आपको रोजगार भी मिलता है, उसके साथ साथ आपको महंगाई का सामना करने का साधन मिलता है, खेती कर रहे हो खेती में कमाई हो जाए उसके लिए मदद मिलती है। यहाँ तो ये लोग कह रहे हैं कि लोग 5 किलो राशन पकड़ो और खुश रहो और मुंह मत खोलना, कुछ मांगोगे कुछ पूछोगे तो फिर देखना क्या होगा। कल परसों इनके मंत्री आए थे रायबरेली, किसी पत्रकार ने पूछ ली कुछ चीज़ जो उनको पसंद नहीं आई, पिटाई हो गई उसकी। इन्हीं की सरकार में शिक्षा मित्र जानती हैं, शिक्षा मित्र प्रदर्शन कर रही थी कि हमारा मानदेय बढ़ाया नहीं है, उनको उठाकर पीटा, महिलाओं के हाथ तोड़ दिए, पांव तोड़ दिए और रासुका का कानून डाल दिया, केस डाल दिया। वो ऐसा केस होता है कि जीवन भर लड़ते रहो। राष्ट्र सुरक्षा कानून की देशद्रोही है ये लोग, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपना हक मांग लिया कि हमारा मानदेय बढ़ा लो। आज आशा बहुएं बैठी होंगी यहाँ, आंगनवाड़ी की बहनें हैं, मिड डे मील जो खाना पकाती है स्कूलों के लिए वो बहनें होंगी, आपका मानदेय कब से नहीं बढ़ा है उन्होंने? कम से कम 5 सालों से तो उतना ही है, और कभी आपको पूरा मिलता है कभी पूरा भी नहीं मिलता। तो आपके लिए और आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के लिए कौन सी ऐसी चीज की है मोदी जी ने 10 सालों में जिसकी वो बात भी कर पाए? बात नहीं कर पाते इसलिए फिजूल की बातें उठा रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि कांग्रेस की सरकारों में क्या क्या काम हुए हैं, तो आप थोड़ा समझिए कि जब सरकार ठीक होती है तो क्या क्या करती है। कांग्रेस की कर्नाटका और तेलंगाना में सरकार है, कर्नाटका में महिलाओं के लिए बस यात्रा मुफ्त है, मतलब बहनें जा रही हैं तीर्थ यात्रा में, मायके जा रही हैं, अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रही हैं, एक पैसा नहीं देना पड़ता, बस में बैठती है चली जाती है। दोनों प्रदेशों में महिलाओं के खातों में हर महीने पैसे डाल रहे हैं। सरकार गरीब परिवार में जो सबसे बड़ी महिला है उसके खाते में 2000 रुपए डाल रही है। क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं, हमें मालूम है कि जो मोदी जी की सरकार है उसकी नीतियां इतनी खराब हो रही हैं कि आपको महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, और इसलिए आपको थोड़ी सी राहत देने के लिए हम हर महीने 2000 रुपए आपके खाते में डाल रहे हैं। फिर और क्या हो रहा है वहां? आप यहाँ सिलेंडर कितने का खरीद रही हो आजकल? 1200 की 1000? 1000 से 1200? कर्नाटका में 500 रुपए का है सिलेंडर,
कर्नाटका में हमारी सरकार है 500 रुपए का सिलेंडर। तो सरकार चाहती है बहुत कुछ कर सकती है। मेरे किसान भाई हैं कुछ यहाँ पे, आप खेती करते हो, आवारा पशु आपके खेत खा जाता है, आपको रात रात बैठना पड़ता है खेतों में उनको रोकने के लिए, फिर भी नहीं रुकते, फिर भी खेत को बचा नहीं सकते। अब ये लगभग 10 सालों से यहाँ यूपी में हो रहा है। कोई सब इस समस्या को किसी ने हल करने की कोशिश की नहीं की। छत्तीसगढ़ में यही समस्या थी, हमारी सरकार ने क्या किया, गौशालाओं को इतना बढ़िया बना दिया, पानी की सुविधा, चारा चारे की सुविधा, अच्छे अच्छे छत लगा दिए, महिलाओं को रोजगार दे दिया, वहां महिलाओं के समूह बनाए गौशालाओं से ही जुड़े हुए, ताकि गौशाला से दूध मिलता था उसकी पैकेजिंग कराई, ये अच्छी अच्छी पैकेजिंग करा के दूध दही खोया बर्फी ये सब बनवाया, फिर वो चीजें बिकी, महिलाओं की आमदनी बढ़ गई। 60-70 हजार रुपए कमा रही थी महिलाएं सिर्फ गौशालाओं से, सरकारी गौशालाओं से। फिर क्या हुआ, सरकार ने तय किया कि हम गोबर खरीदेंगे, क्योंकि सरकार समझदार लाती है। अब जब लोगों ने सुना कि गोबर खरीद रही है सरकार, तो क्या हुआ, जानवर रखना शुरू किया, क्योंकि पता चला कि जानवर आवारा छोड़ने के बजाय घर में रख लेंगे, आमदनी हो जाएगी, गोबर बेच देंगे सरकार को। और सरकार ने गोबर खरीद के क्या किया, गोबर गैस बनाई आपके लिए, तो आपके घरों में गोबर गैस मिल गई, समस्या हल हो गई। आज छत्तीसगढ़ में जाओ आवारा पशु नहीं दिखने वाले। ये अलग बात है कि भाजपा की सरकार फिर से आई है वहां 2-4 महीने पहले, तो अब पता नहीं वो कैसी स्कीम लाएंगे। वहां 35 किलो राशन देते थे, भाजपा की सरकार आई 5 किलो का कर दिया। राजस्थान में हमारी सरकार थी, ये भी सुन लीजिए कि राजस्थान में हमारी सरकार थी, 25 लाख रुपए तक सबको स्वास्थ्य बीमा दिया। तो जब मैं गई थी वहां पे, वहां चुनाव थे कुछ 6-7 महीने पहले, तो मुख्यमंत्री जी ने मुझे किसी कुछ लोगों से मिलवाया, उसमें एक जने थे जिनका हार्ट का ऑपरेशन किया था, एक पैसा नहीं देना पड़ा बहनों, सारा मुफ्त में हो गया। एक और थे ब्रेन की सर्जरी की, लाखों की सर्जरी होती है, एक पैसा नहीं देना पड़ा, क्योंकि सरकार की नीति ये थी कि गरीबों के हाथों में देश का पैसा जाना चाहिए। अब मोदी जी की नीतियां देखिए, बड़े बड़े खरबपतियों को सारे पैसे दे रहे हैं, सारे देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, देश के खदान, देश का कोयला, देश की बिजली, देश के बड़े बड़े सड़कों के ठेके, सब अपने बड़े खरबपति मित्रों को दे रहे हैं। जहां देखिए अडानी अंबानी, अडानी अंबानी, अडानी अंबानी, सब इन्हीं का है। ये लोग शादी कराते हैं अपने बच्चों की, तो आप देखिए, मतलब यकीन ही नहीं आता कि एक इंसान इतनी ऐसी चीज कर रहा है, इतनी शादी हो रही है और इतने बड़े बड़े गहने हैं, और भगवान जाने क्या क्या हो रहा है, लाखों करोड़ों के लहंगे, करोड़ों की घड़ियां, करोड़ों के गहने, ठीक है अगर वो कमा रहे हैं ठीक है, लेकिन भाई तुम देश का पैसा दे रहे हो, देश की संपत्ति से उनके 16 लाख करोड़ रुपए आप माफ कर रहे हो, और देश का किसान आत्महत्या कर रहा है, उसके पास 50,000 रुपए नहीं है कर्ज चुकाने के लिए, 1 लाख रुपए नहीं है कर्ज चुकाने के लिए। ललितपुर में मैं एक किसान के घर गई, 2 बेटियां थी, एक की शादी हो गई थी, एक की करनी थी, फूट फूट के रो रही थी, पिताजी ने आत्महत्या कर ली, 1 लाख करोड़ का कर्ज लिया था, चुका नहीं पाए, पानी नहीं आया, खेती में उपज कम हो गई। एक और किसान के घर गई, वहाँ खाद के वितरण केंद्र थे, वो सरकारी वाला बंद था, प्राइवेट में चले गए, सोचा कि चलो खाद मिल जाएगी, उपज हो जाएगी, मैं अपना कर्ज चुका लूंगा। वैसे ही बड़े परेशान थे, तनाव में थे, खड़े हो गए कतार में, तो उसकी बेटी ने मुझे बताया, दीदी मैं गई, मैंने पापा को बोला घर आ जाओ, खाना खा लो, पानी पी लो, फिर वापस चले जाना, कड़ी धूप थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, उनको घबराहट हो रही थी कि मैं कतार छोड़ दूंगा तो मुझे नहीं मिलेगा, खाद कोई और ले लेगा, और खाद कम कम मिल रही है, वही कतार में गिर के मर गए। तो अब ये हालात है किसानों की,
जब कांग्रेस कहती है हम किसानों का कर्ज माफ करना चाहते हैं, तो पूरी भाजपा प्रधानमंत्री से लेकर सारे मंत्री आपके सांसद सब भड़क जाते हैं, कहते हैं कि देश में पैसे नहीं है, इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे। अरे आपने 16 लाख करोड़ दे दिए बड़े खरबपतियों को, वो माफ कर दिए। यहाँ किसान 1,50,000 के लिए जूझ रहा है, मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, उसके लिए पैसे नहीं है। वो कहते हैं कि ये जो कांग्रेस पार्टी की गारंटी है कि महिलाओं के खातों में ये पैसे डाल रहे हैं, सब बकवास है, पैसे ही नहीं है देश में। तो आप सब देश के खदान दे देंगे अपने मित्रों को, आप देश के हवाई अड्डे दे देंगे, जहां जहां से रोजगार बनता है बड़ी बड़ी कंपनियां सारी दे देंगे, फिर गरीब के लिए आप कहते हैं पैसे नहीं है। ये क्या बात हुई, सही नहीं है ना। सही नीति वो होती है जो सबसे पहले, गांधी जी क्या कहते थे, सबसे पहले जो गरीब से गरीब व्यक्ति है देश में उसके आंसू पोंछने का काम है सरकार का, सबसे पहले। और आज उसका एकदम विपरीत हो रहा है, आज गरीब महंगाई से जूझ रहा है, आप खुद जानती है, किसान खेती से कमा नहीं पा रहा है, आप सब मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाते हो लिखाते हो, बच्चा परीक्षा पे परीक्षा देता है, पेपर लीक होता है, घोटाला होता है, और फिर भी अगर कुछ पास भी हो गया, नियुक्ति की सूची में नाम भी आ गया, तो भी रोजगार नहीं मिलता उसे, क्योंकि रोजगार बनाने का काम किया ही नहीं है मोदी जी की सरकार ने। ये है आज देश की सच्चाई। और आपको ये बड़े बड़े मीडिया वाले, टीवी वाले सब यही दिखाएंगे कि भाई देश तो ऐसे आगे बढ़ रहा है, 70 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया और 10 सालों में जितना मोदी जी ने किया है किसी ने किया ही नहीं। अब अगर मैं सूची बनाने लगूं कि कांग्रेस ने क्या क्या किया, IIT, IIM, ISRO, DRDO, BHEL, HAL, मैं तो यहाँ पे बैठ के 2 घंटों की सूची सुना दूंगी। मोदी जी ने कभी सुनाई है सूची? कुछ किया ही नहीं है। आज 70 करोड़ लोग नौजवान, 70 करोड़ बेरोजगार है। 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज के दिन है भारत में। और भारत की बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, पाकिस्तान की बात करेंगे चुनाव के समय। तो अब आपको समझना है कि आगे आप क्या चाहते हैं। आपकी एक सांसद है, मैं जानती तो हूं नहीं उनको, लेकिन मैंने सुना है कि वो भी अपनी काम की सूची नहीं गिना सकती। आपको कहा था 13 रुपए की आपको चीनी मिलेगी, अब तो आपको चीनी मिलती ही नहीं है, है ना। आपको बड़े बड़े वादे किए थे 15 लाख आपके खाते में मिलेंगे, कहा है भाई 15 लाख रुपए, कह रही है 4 आने नहीं है, 15 लाख कहा है ना। तो कांग्रेस की कुछ गारंटी है, और हम इस आधार पे कह रहे हैं कि जिन प्रदेशों में हमारी सरकार है उसमें हमने किया है। मैं बता रही थी कि जहां हमारी सरकारें हैं वहां आज के दिन आप किसी भी गरीब महिला से पूछ लो, उसके घर में जो सबसे बड़ी महिला है उसके खाते में 2,000 रुपए आ रहे हैं। तो हम तय कर रहे हैं कि हर गरीब परिवार के घर में जो सबसे बड़ी महिला है उसके खाते में हम 8,500 रुपए डालेंगे हर महीने, ताकि एक साल में 1 लाख रुपए पूरे आपके खाते में आ जाएंगे। आपके जो मानदेय हैं उनको बढ़ाने के लिए, आंगनवाड़ी आशा बहुओं के मानदेय को बढ़ाने के लिए हम केंद्र से जो राशि आती है उसको दुगना करेंगे, ताकि आपका मानदेय भी दुगना हो। जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं उसमें आधे पद महिलाओं के लिए हम रखेंगे, ताकि आप भी अपने पैरों पे खड़ी हो पाए। ये नौजवान बच्ची हैं, इनको भी रोजगार मिलना चाहिए, ताकि ये भी कमा पाए, ताकि ये भी अपने पैरों पे खड़ी हो। आज जमाना बदल गया है, आज वो जमाना नहीं है कि बच्चा बड़ा होता है उसको मजदूरी में डाल दो। आज सब बच्चे शिक्षित होते हैं और आपका प्रयास होता है, मैं जानती हूँ महिलाओं का ज्यादा होता है, कि हमारी बच्चियां शिक्षित हों। हम चाहते हैं कि जो हम नहीं कर पाए वो हमारी बच्चियां करें, है ना। तो बच्चियों के लिए भी बहुत जरूरी है ये। और हमने एक और नया अधिकार बनाएंगे, हमने ये भोजन का अधिकार बनाया था,
जिससे आपको आज 5 किलो राशन मिल रहा है। इसी तरह से हमने रोजगार का अधिकार बनाया, इसलिए मनरेगा आया गांव में। 100 दिन का जो रोजगार था वो पक्का था मनरेगा से, ये हमने अधिकार बनाया। अब हम अधिकार बनाने जा रहे हैं कि नौजवान जब स्नातक पास होता है तो उसका अधिकार है कि सरकार उसको कम से कम एक पहली नौकरी दे जिससे उसके सालाना 1 लाख रुपए बन जाए। ये नया अधिकार हम लाएंगे। हम किसानों के लिए अधिकार लाएंगे कि किसान को जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जो आज नहीं मिलता उपज के लिए, वो उसका अधिकार बन जाएगा। कोई सरकार इस अधिकार का मना नहीं कर पाएगी। आपको अपनी उपज का सही दाम मिलेगा ही मिलेगा। आज GST है, हर खेती के सामान पे टैक्स है, महंगा है। हम सारा टैक्स खेती के सामानों से हटाएंगे ताकि खेती के सामान सस्ते हो जाएं। 5,000 करोड़ रुपए का फंड बनाएंगे ताकि जो नौजवान इनकी तरह, अगर कारोबार तुम शुरू करना चाहते हो या कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो तुम्हें उन 5,000 करोड़ रुपए के फंड से सुविधा मिले, मदद मिले कि तुम अपना कारोबार शुरू कर पाओ। मजदूरी के लिए हम कानून बनाएंगे कि 400 रुपए से कम दिहाड़ी कोई नहीं दे पाएगा। आप मजदूरी करोगे, न्यूनतम दिहाड़ी 400 रुपए। 25 लाख का बीमा मैंने बताया, देश भर में लाना चाहते हैं ताकि स्वास्थ्य की सब सुविधाएं 25 लाख रुपए तक आपको मुफ्त मिलेंगी अगर आप गरीब परिवार के हो। तो ये सब काम क्या है? ये वही काम है कि जो संपत्ति मोदी जी ने पकड़ा दी है बड़े खरबपतियों की, जो आपकी संपत्ति है, हम आस्ते आस्ते अलग अलग स्कीमों और योजनाओं के द्वारा आपके जेब में वापस डालना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ बहुत अन्याय हुआ है। आज महंगाई बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि किसी का भविष्य उज्जवल दिख ही नहीं रहा है, सिर्फ TV पे दिखता है। आप TV चालू करते हैं ऐसे लगता है कि भगवान जाने कहां कौन से देश में जी रहे हैं कि सब कुछ अच्छा हो रहा है यहाँ, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि आपके जीवन में तो परिवर्तन नहीं आ रहा ना, आपका जीवन बदला है 10 सालों में। हाँ बदला है, महंगाई बढ़ गई है, पहले कम थी, है ना, लेकिन तरक्की तो नहीं हुई है। तो आप सोच लो, कहाँ है किशोरी जी? ये आपके प्रत्याशी है कांग्रेस पार्टी से। अब ये कौन है मैं बता देती हूँ, ये किशोरीलाल शर्मा जी मेरे पिताजी के साथ काम करते थे यहाँ अमेठी में, और तब से 40 साल हो गए अमेठी और रायबरेली के जितने भी हमारे जो कार्य थे, अच्छे कार्य, सेवा के कार्य, विकास के कार्य, ये देखते थे। तो आप अगर हमें दरखास्त पकड़ा देती थी तो हम इनको देते थे कि किशोरी भैया जाओ उस गांव में, उस महिला ने हमको दरखास्त दिया, पता करो उसकी समस्या क्या है, कैसे हल करनी है। तो इनको अमेठी का गांव गांव ये जानते हैं, गांव गांव में कार्यकर्ताओं को पहचानते हैं, लोगों को, बुजुर्गों को पहचानते हैं। अच्छा ये भी जानते हैं कि भाई ये सड़क कब बनी, इस पे खड़ंजा कब लगा, ये पक्की कब हुई, यहाँ बिजली के खंभे कब लगे, सब कुछ जानते हैं क्योंकि हमने लगवाए, लेकिन काम करने वाले ये थे, बारीकी से काम करने वाले ये थे। सांसद निधि का खर्चा कैसे करना है, किस पाठशाला में देना है, कहाँ पे ज्यादा जरूरत है, ये सब ये करते थे। तो ये पूरी तरह से आपके क्षेत्र को जानते हैं, और आपके क्षेत्र को जानते हैं और काम किया है, सेवा की है आपकी 40 सालों के लिए। घमंडी कोई बड़े मंत्री तो है नहीं कि यहाँ आके घमंड करेंगे या अहंकार दिखाएंगे, हमेशा आपके बीच में रहे हैं, घुल मिले हैं आपके साथ, जो समस्या है उसको पूरी तरह से हल करने की कोशिश करेंगे। तो आपको ऐसे सांसद चाहिए या फिर ऐसी सांसद चाहिए जो आपको बोलती है 13 रुपए की चीनी मिलेगी, फिर आपको चीनी बंद हो जाती है, जो आपके बीच नहीं आती, उद्घाटनों के लिए आती है और टीवी के सामने खड़े होने के लिए आती है। क्योंकि देखिए उनका मकसद समझ लीजिए, वो यहाँ आई किस लिए? कोई रिश्ता था पुराना आपके साथ, कोई उनके परिवार ने यहाँ काम किया था, या आपकी भलाई चाहती थी इसलिए आई, सेवा करना चाहती थी इसलिए आई, एक ही मकसद था, मेरे भाई को चुनाव हराना था,
तो शुरू से ही नकारात्मक मकसद से आई कि मुझे यहाँ पे लड़ाई करनी है, साहब पूरे देश में उछालना है कि अमेठी में कुछ काम नहीं हुआ, ये गांधी परिवार बकवास है, ये गांधी परिवार कुछ करता नहीं है, यही बातें फैलानी है और उसके बल पे फिर मैं वोट ले लूंगी और पूरा देश देखेगा कि हाँ अमेठी में कोई तरक्की नहीं हुई, मैं सांसद बन जाऊंगी। हो गया, बन गई, फिर क्या हुआ? कुछ किया? काम नहीं किया। उनका तो मकसद पूरा हो गया, वो तो इसी मकसद से आई थी। और दूसरी तरफ हम जो 40 सालों से सेवा कर रहे हैं, कोई मकसद ही नहीं है, बस सेवा करनी है। पिताजी ने सेवा की, पिताजी शहीद हो गए, मैं 19 साल की थी। माताजी आपकी सांसद बनी क्योंकि उन्होंने सोचा कि पिताजी के कुछ सपने थे अमेठी के लिए, उनको मैं पूरा करती हूँ। फिर भैया आए, भैया ने खूब काम किया। कई ऐसे काम हैं जो अगर भैया को करने देते ये लोग, अगर एक बार फिर आपके सांसद बनते, काफ़ी तरक्की आ जाती। फूड पार्क खोलने जा रहे थे, उसका शायद वो हो भी गया था, उसका है ना शिलान्यास भी हो गया था। फूड पार्क में क्या था कि यहाँ पूरे रायबरेली अमेठी के इलाके के जो किसान थे वो अपनी उपज यहीं पे ले जाके उसकी सारी पैकेजिंग सब कुछ यहीं पे करा के पूरे देश भर में भेज सकते हैं और देश के बाहर भी, तो उससे बहुत फायदा होता है। इन्होंने क्या किया, रुकवा दिया। एक फैक्ट्री खुलवा रहे थे वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, पिछले मेरे ख्याल से कितने सालों से, 4 सालों से रुकी रही। अब उन्होंने खोली तो उसमें जो बनवाना था वो भी नहीं बन रहा है, कुछ और बन रहा है। तो ऐसे काम किए इन्होंने कि जो विकास के कार्य हो भी रहे थे यहाँ उनको रोक डाला। रायबरेली में माताजी ने एम्स की बात की तो एम्स शुरू हुआ, कितनी कठिनाई से हम खोल पाए उसको, और फिर इन्होंने सब ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो अब चल रहा है लेकिन उस रफ्तार से नहीं चल रहा, उतना बड़ा नहीं बना जितना हम बनाना चाह रहे थे। तो आपको तय करना है आपको यहाँ कैसी राजनीति चाहिए। यहाँ एक सभ्यता वाली राजनीति रही है हमेशा, नेताओं ने झूठ नहीं बोला आपसे, सच बोला। जहाँ हम कुछ काम नहीं कर सकते थे हम बोल देते थे कि दीदी ये वाली सड़क तो बनाना बहुत मुश्किल है, अगर चाहो तो आपको खड़ंजे वाली बना के दे देंगे, सच बोल देते थे। आप भी हमेशा डांट भी देते थे हमको, है ना, अहंकार नहीं था। पिताजी आते थे, प्रधानमंत्री थे, महिलाएं डांटती थी गाँव में कि भैया देख लो प्यार तो करते हैं लेकिन वोट नहीं मिलेगा अगर हमारी सड़क नहीं बनेगी। अधिकार था आपका, आपको किसी ने डांटा नहीं कि प्रधानमंत्री हूँ ऐसे कैसे कह दिया, अहंकार नहीं था। पिताजी कहते थे ये तो मेरा कर्तव्य है, अच्छा है, जागरूक है जनता, जनता डांट रही है नेता को, अच्छी बात है। तो अगर ये पुरानी वाली राजनीति आप वापिस लाना चाहते हैं जो आपकी सेवा करे, आपके भविष्य को मजबूत बनाने का काम करे, तो आप किशोरीलाल जी को जिताइए। और अगर आप अहंकार की राजनीति चाहते हैं जहां नेता यहां मंत्री बन के बस यही कहते रहे कि मैं मंत्री हूं, जनता जाए भाड़ में और मैं रहूं सत्ता में, तो फिर आप दूसरी को चुन लीजिए, भाजपा को वोट दे दीजिए, है ना। लेकिन मेरी सलाह यह है कि आप कांग्रेस को जिताइए, किशोरीलाल शर्मा आपके बीच आते रहेंगे, काम करके दिखाएंगे आपको। आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि ये सांसद हैं हमारे, आपको लगेगा कि घर परिवार के एक सदस्य घर आ रहे हैं, उनसे आप पूरी समस्याएं आप समझाएंगे और ये आपकी समस्याओं को सुलझाने का काम करेंगे। तो यही सब बातें कहनी थी आपको, ध्यान से सुना है आपने। आशा है कि 20 तारीख को इनका पहला नंबर है, पहले नंबर पे पंजा दिखेगा आपको, वहाँ बटन दबाइए। जब बटन दबाएंगे तो टी की आवाज आएगी, तो पूरी वो आवाज सुनिए। उसके बाद एक पर्चा निकलेगा, जो पर्चा निकलेगा उस पे भी पंजा होना चाहिए, क्योंकि कई लोगों ने कहा कि हम बटन एक दबाते हैं कुछ पंजे पे दबा रहे हैं, कमल का पर्चा निकल रहा है ऐसा। तो हमारी तो पूरी कोशिश है कि बेईमानी नहीं हो, लेकिन आपको भी अपने आप को सावधानी बरती पड़नी होगी और आपको एकदम जागरूकता से अपना वोट देना है इस बार। अपने भविष्य के लिए दो, अपने बच्चों को के भविष्य को मजबूत बनाना है, सही वोट सही जगह डालो। धन्यवाद, जय हिंद।